नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें इस भर्ती के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए भारत सरकार गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। साथ ही में दोस्तों, आप यहाँ से जो है इस वैकेंसीज के लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इजिली चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगा। आईबी की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की गई है। पोस्ट नेम के बारे में बात कर लें तो एसीआईओ ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में एग्जीक्यूटिव पद के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी के साथ में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एसीआईओ के लिए वैकेंसीज हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी जीआईओ के लिए। साथ ही में सीनियर असिस्टेंट पद के लिए भी आपकी जो है ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसीज के बारे में बात कर लें तो 4273 वैकेंसीज रखी गई है। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। पे स्केल के बारे में बात कर ली तो देखिए लेवल 7 से आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है। 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक आपको पर मंथ पे स्केल यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, तो ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी MHA.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं यहां पर आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां से आप जो है कैटेगरीज वाइज अपनी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1628 वैकेंसीज रखी गई है, ओबीसी के लिए 938 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 354 वैकेंसीज है, साथ ही में एससी कैटेगरी के लिए 649 वैकेंसीज रखी गई है। इसी के साथ में दोस्तों आप यहां से एसटी वैकेंसीज भी चेक कर सकते हैं, 406 पदों पर एसटी के लिए वैकेंसीज रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए आपका 3 टायर्स के आधार पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिनिमम पे स्केल आपका 40,730 रुपए मिलने वाला है, एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पर 1,42,400 रुपए तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितने भी अलाउंस दिए जाते हैं वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें, तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किए हुए या फिर अपनी मेट्रिकुलेशन डिग्री कंप्लीट किए हुए तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसी के साथ में 12वीं पास कैंडिडेट भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को 1 फरवरी 2023 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस भर्ती के लिए इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। साथ में फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो यहाँ पर अपीयरेंस में जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एज लिमिट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज को काउंट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी, मतलब कि 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एंड एससी एसटी कैटेगरी के 32 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, एंड अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यहां पर मैक्सिमम 40 साल या तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में विडो और डिवोर्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहां पर 35 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 40 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए आपका जो आईबी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट
कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजिली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर ले तो देखिए अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, साथ ही में ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड ऑल अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैश कार्ड और वॉलेट का इस्तेमाल करके इजिली जमा करवा सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो देखिए दोस्तों आपका जो फर्स्ट एग्जाम रहेगा या प्री एग्जाम रहेगा वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड 100 मार्क का आपका ये पेपर होने वाला है। साथ ही में दोस्तों प्रत्येक सही आंसर देने पर आपको एक अंक दिया जाएगा और आपकी जो है 0.25 मार्क आपके जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं, मतलब कि आपकी यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे, लॉजिकल एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क के पूछे जाएंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे और जनरल स्टडीज से भी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहने वाले। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क के और 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा अपने पेपर को सोल्व करने के लिए। सेकंड एग्जाम भी आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं, जो आपका सेकंड एग्जाम रहेगा इसमें दोस्तों आपके 50 नंबर का रहेगा, मतलब कि आपका ऐसे राइटिंग 30 नंबर का रहेगा एंड इसी के साथ में दोस्तों आपका जो है इंग्लिश का जो है पेपर रहेगा जो कि 20 नंबर का रहेगा, टोटल 50 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट आपको यहाँ पर इस पेपर के लिए भी मिलने वाले। एंड थर्ड में आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 100 मार्क का रहेगा एंड जिसमें आपका दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा इसमें आपके ये नंबर जुड़ने वाले। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में तो देखिए दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया है एंड आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों ये 25 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, 28 दिसंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मार्च 2023 में आपका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपका जो सेकंड एग्जाम रहेगा वो मई 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो जून 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।